हेलो स्टूडेंट, क्लास टेंथ, ये क्लास टेंथ है। इसका आज हम जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरे पूरे जो है ना बुक से पूरे बुक से जो है ना 16 क्वेश्चन का जो है ना हम एक से जो एक नंबर के जो 16 क्वेश्चन आते हैं इसको जो है ना हम समझाएंगे कहाँ कहाँ से जो है ना आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो है ना आ सकते हैं। तो इसको हम 3-4 वीडियोज में जो है ना बताएंगे आपको कि ये कहाँ कहाँ से आएंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख करके जाएँ, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। जो आपको 16 जो क्वेश्चन आते हैं ये 1 मार्क्स के जो है ना क्वेश्चन आते हैं, इसमें जो है ना 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इसलिए हम जो है ना आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है ना हर चैप्टर से जो है ना आपको हम बता रहे हैं, और हम जो है ना बाद में इसका हर चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन जो है ना आ सकता है वो भी जो है ना हम बताएंगे। लेकिन पहले हम 16 क्वेश्चन बता देते हैं पूरे चैप्टर से, जो आप जब भी आपको एग्ज़ाम होगा तो आप जो है ना इसको देख करके ज़रूर जाएं। तो पहला क्वेश्चन है, ये हमेशा जो है ना SCF और LCM ये चैप्टर 1 से जो है निकालने के लिए आता है। यहाँ लिखा रहता है क्वेश्चन में, फाइंड SCF एंड LCM इफ, आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई एंड बी दिया हुआ है वाई स्क्वायर एक्स। तो हम इसका हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, तो जो हमारा ए दिया हुआ है आपका कितना एक्स स्क्वायर वाई, तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर जो वाई दिया हुआ है इसको हम लिख लेते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। दूसरा नंबर दिया है वाई स्क्वायर एक्स, इसको हम फैक्टर कर लेते हैं वाई इंटू वाई इंटू एक्स। तो इसका SCF कितना होता है ये हम देख लेते हैं। SCF जो होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में आप जो है ना कॉमन देख रहे हो, एक जो है ना y है और एक जो है ना x है, तो यानी कि x और y इसका SCF हो गया। LCM क्या होता है ये देखते हैं, हाईएस्ट जो है ना इसमें देखते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर है और इसमें वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर जो है ना इसका हो जाएगा और वाई स्क्वायर इसका LCM हो जाएगा। तो इस तरह से SCF और LCM इसका जो निकल गया, ये 1 मार्क्स के जो है ना क्वेश्चन आ गए, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है जो सेकेंड चैप्टर से आता है, इसको हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, फाइंड द वैल्यू निकालने के लिए आएगा, फाइंड द वैल्यू 1/α + 1/β इफ 2 जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 3 इज अल्फा एंड बीटा है। तो इसको जो है ना इसका हम निकालते हैं इस तरह से कि सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, तो इसका हो जाएगा माइनस माइनस 5/1 यानी कि 5, और अल्फा बीटा आपका हो जाएगा कितना सी बाई ए, तो यानी कि ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब हमको निकालना है 1/α + 1/β, तो इक्वल टू इसका LCM ले लेंगे, अल्फा बीटा हो जाएगा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, इसका वैल्यू हम आप डाल देंगे तो ये हो जाएगा 5/3, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।